अबे ओ ये क्या लगा रखा है, यादव ब्रांड, यादव ब्रांड बजा अपना पटेल का गाना है। हाँ गाइस, इतने दिनों के बाद इतने व्यूज देख के ऑब्वियसली मैं पागल हो जाऊंगा। यस गाइस, हमारा पहला रोस्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो पार्ट टू बनाना बनता है। ये रोस्ट वीडियो होगी या रिएक्शन वीडियो होगी या जो भी होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन रोस्ट डॉट करना डॉट आता डॉट नहीं डॉट के डी मिनाटी डॉट बन डॉट रहा डॉट है। आपके कॉमेंट से तो लग रहा है आप ट्रिगर इंसान के बहुत बड़े फैन हो। तो बिग बॉस में हुए एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो ऑडियंस ये ने जो है पानी में साबुन मिला दिया था और ये काफी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। हाँ, तो जो भी कुछ था वो सलमान खान ने सॉर्ट कर दिया है, जो भी मतलब। और एक बार आप ये वाली क्लिप देखो, पानी मेरे को समझ नहीं आता कुछ लड़कियां इतनी गलत होने के बाद भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे लड़ लेती है। देखो मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो एकदम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी और ऐसा मानेगी कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं गलत हुई नहीं, और ऊपर से लड़ेगी भी है इतने ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब सलमान खान ने खुद बोला तो फिर उनको भी पता चला कि वो गलत थी। सलमान खान ने बाद में ये भी बोला कि अगर आपको इतनी मस्ती चढ़ रही थी तो फिर आपको ये बोल देना चाहिए था कि उसमें पानी मिला है, नहीं पीना नहीं पीना, पीने से पहले रोकना चाहिए था। ये बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया मैंने। लेकिन उसके बाद मजे भी आप ले रही थी उस काम का, बाद आपने एल्विश को आधा ग्लास पीने दिया। एक बार भी इसके मुंह पे जाता, अरे नहीं 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 मत पीना यार एल्विश, इसके अंदर मैंने साबुन मिलाया है। एंड पूजा जी देखे कौन नया खिलाड़ी आया है। विमल बोलो जुबान केसरी। और क्या खबर आ रही है कि ध्रुव राठे जो है बिग बॉस के अंदर आने वाले। सीरियसली भाई, क्या भाई ध्रुव राठे को और क्या एल्विश को ऐसे फाइट करवाना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। ओ यो तरह जर्मनी ना है, साढ़े बीच में से फाड़ दूंगा क्योंकि तूने पता ही है उफा बदमाश है। बेसिकली बिग बॉस के घर में ऐसा रूल होता है कि आपको फिजिकल नहीं होना, एक दूसरे को धक्का नहीं मारना है और अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। लेकिन ये वाली क्लिप देखो आप एक बार। मर्दों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उस पर पूरा करियर बनाया हुआ है और इल्जाम डालने का मौका। हाथ मत लगाना महिषा, हाथ मत लगाना, हाथ मत रो पड़े। साथ रोना आ रहा है मनीषा, बिल्कुल नहीं रोना। सीरियसली मैंने अक्सर देखा है कि जो मनीषा है वो ऐसे ज्यादा लड़ाई बड़ाई नहीं करती है और जो भी होता है अपना पॉइंट क्लियर करती है हर बार, ना कोई पर्सनली दुश्मनी होती है। लेकिन पता नहीं इस बार ये बेबी का को क्या ही चढ़ा, ऐसे धक्का वक्का नहीं मारना चाहिए यार। ऐसे धक्का वक्का मारने लगी फिर ऐसे मनीषा भी रोने लगी तो हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, और ऊपर से हंस भी रही है बेशरम। अब जो भी हो यार, टास्क के लिए हुआ था या जो किस भी रीजन से था, लेकिन ऐसे धक्का वक्का मारना और ये सब सही नहीं है। तो मेरे को लगता है शायद वीकेंड के वार में इस बारे में बात हो सकती है। एंड हाँ, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।